मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के कार्यक्रम में एक फरियादी पहुंचता है बक्सर से। उसने फरियाद लगाई है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है। मूर्ति विसर्जन के वक्त भोजपुरी गाने बजाए जाते हैं जो कि बेहद ही फूहड़ होते हैं। इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कोई नियम लागू करना चाहिए। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कार्रवाई की है वो हम आपको दिखाते हैं। विसर्जन में भी सर गंदे गंदे गीतों बजा करके डांस किए हुए जाता है सर, इतना ही नहीं सर। 2010 में सर गए थे शाहबाद महोत्सव में, इसके पहले भी सर को आवेदन दिए थे, कम से कम सेंसर बोर्ड कुछ नियम कानून बनाया जाए जिससे रोका जाए। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराई जाए सर, जिससे कुछ इस पर प्रतिबंधित हो सके। जरा देखिए इनका, ये आए हैं बक्सर से। इनका कहना है कि पूरी गीतों और फिल्मों में बढ़ रही अश्लीलता को रोकने के लिए इनका सुझाव है। ऐसे तो ऐसा इजाजत नहीं, अपना इनका सुझाव देकर के कानून बनाया जाए। कई तरह की बात ये लिखे, इनकी बात जरा सुन। नंद कुमार तिवारी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बक्सर से पहुंचा ये फरियादी बताता है कि 2010 में भी उन्होंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया था। एक बार फिर से वो 2021 में इसी फरियाद को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचता है और बताता है कि सेंसर बोर्ड को कुछ नियम लगाने चाहिए इन गानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाया और बताया कि एक व्यक्ति आया है बक्सर से, वो अपनी समस्या लेकर पहुंचा है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता जो है वो बढ़ती जा रही है, इनके पास कुछ सुझाव है इसे कम करने के लिए, तो इनसे एक बार बातचीत कर ले, यथासंभव कोई उपाय निकल करके सामने आएगा। आपको बता दें कि आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज के दिन भी सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार का कार्यक्रम लगाया है। तो इन्हीं तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।